अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज जो मैं लेक्चर आपको देने जा रहा हूँ वो बिलोंग करता है प्रोजेक्टाइल मोशन से। प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक आपको फेडरल बोर्ड ए लेवल्स ओ लेवल्स सब में मिल जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, नाउ दिस इज़ द टॉपिक, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो स्टूडेंट्स, क्या है प्रोजेक्टाइल, आज हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। इंशाल्लाह आप इसको अगर तवज्जो से सुनेंगे समझेंगे तो आपको कम्प्लीटली प्रोजेक्टाइल मूवमेंट समझ में आ जाएगा। वैसे हम ये कहते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड मेकिंग अ सर्टेन एंगल, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड मेकिंग अ सर्टेन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एंड मूव्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, इट इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल। ये डेफिनेशन है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड मेकिंग एन एंगल। इसको मैं डायग्रामेटिकली भी आपको बताता हूँ। देखें, हम लोग जो ज्यादातर यहाँ इंटर लेवल तक या ओ ए लेवल्स तक जो प्रोजेक्टाइल को समझते हैं वो टू डायमेंशनली समझते हैं, एक्स एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग मोमेंट को समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये टू डायमेंशनल होती है। जब हम x और y एक्सिस को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, इट्स मीन इट इज टू डायमेंशनल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल जो है वो टू डायमेंशनल मोशन है। इसमें हम ऑब्जेक्ट का मोमेंट दो डायमेंशन के बिटवीन हम करेंगे। तो जैसे कि मैंने अभी आपको डेफिनेशन में भी बताया कि टू डायमेंशन में कैसे ऑब्जेक्ट मूव करेगा, मैंने आपको डेफिनेशन वाज बताया कि व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से अपवर्डली थ्रो करते हैं, ठीक है, देखिए गौर से, ये जा रहा है अपवर्डली और वो फिर इस तरह ट्रैजेक्टरी बनाता हुआ वो ऑब्जेक्ट आगे फॉरवर्ड हो रहा है। आपने इसको अपवर्डली थ्रू किया विद द हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है ना, एक्स एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं। ये भी नॉलेज में रखिएगा कि एक्स एक्सिस जो होता है वो हॉरिजॉन्टल भी होता है और वाई एक्सिस जो है बच्चों ये वर्टिकल भी होता है। ठीक है बच्चों, हम बात कर रहे हैं टू डायमेंशनल मोशन की। टू डायमेंशनल मीन जिसमें दो एक्सिस इन्वॉल्व होंगे, एक्स एक्सिस इन्वॉल्व होगा और y एक्सिस वर्टिकल एक्सिस है और x एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ये वेक्टर में भी आपने पढ़ा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो बेसिकली डेफिनेशन वाइज मैंने अभी डायग्राम ड्रॉ की। डेफिनेशन क्या है कि व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड मेकिंग ए सर्टेन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एंड मूव्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब यहाँ से जब आपने थ्रो किया ना तो ये फ्रीली मूव करती हुई ये बॉडी जा रही है, ये फ्री मूवमेंट है इसका, और जाते हुए इस तरह कर्व पाथ बनाते हुए ये दूसरी तरफ जाकर स्ट्राइक करेगी डाउन, क्योंकि इस पे इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर अप्लाई हो रही है जिसकी वजह से ये ऊपर जाते 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 अपने रास्ते को चेंज करेगी और चेंज करते हुए ये, तो ये पूरा प्रोजेक्टाइल मूवमेंट है। इसको हम कहते हैं व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एंड मूव्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, नाउ दिस इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल। तो जो एंगल यहाँ पर है वो हम सपोज कर लेते हैं कि वो एंगल क्या है, थीटा है। तो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो अंदर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी भी मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल इफेक्ट भी हैं, वर्टिकल भी इफेक्ट हैं इस पर, हॉरिजॉन्टल इफेक्ट्स भी आ रहे हैं इस पर, वर्टिकल इफेक्ट्स भी आ रहे हैं, वर्टिकली भी इफेक्ट हो रहा है। तो दोनों तरह का इफेक्ट यानी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो रहा है, तो इट्स मीन ये टू डायमेंशनल इफेक्ट हो गया। अगर हम कहें ना भाई ऑब्जेक्ट जा रहा है सीधा सीधा स्ट्रेटली, तो ये वन डायमेंशन है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल वे पर चले चाहे वो वर्टिकल वे पर चले। तो अगर वो सीधा सीधा चल रहा है तो हॉरिजॉन्टल पे चल रहा है या वर्टिकल पे चल रहा है, सीधा चलने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि वो वन डायमेंशनल मूव कर रहा है। तो ये जो है आपके पास, ये मैं बात इस वक्त कर रहा हूँ ए लेवल्स स्टूडेंट्स और अपना फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट, फेडरल बोर्ड खान बोर्ड के स्टूडेंट सबसे मैं बात कर रहा हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन को अच्छी तरह समझें। अभी तक मैंने डायग्राम जो है वो डेफिनेशन के साथ ड्रॉ की है कि व्हेन ऑब्जेक्ट थ्रो
upwardly an object making angle theta with the horizontal and moving freely under the influence of gravity, this movement of the object is called the projectile motion. तो ऑब्जेक्टाइल मोशन में आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जांपल आते हैं, जब आप किक लगाते हैं बॉल को तो बॉल भी ऐसे ही मूव करती हुई जाती है, जैसे मैंने डायग्राम बनाई है, क्रिकेट बॉल को थ्रो करें आप एक साइड से दूसरी तरफ तब भी वो ऐसे जाएगी, मिसाइल फायर होता है वो भी ऐसे जाता है, तो ये सब जो है प्रोजेक्टाइल मूवमेंट की एग्जाम्पल है. तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मोशन ऑफ द बॉडी दैट इज थ्रोन विथ एन इनिशियल velocity and then moves under the influence of gravity. अब जब ये object यहाँ move करेगा तो basically जो इसने start लिया है, तो जब भी हम upward को ये object को throw करते हैं ना तो उसकी initial velocity होती है, उसको हम यहाँ पे V naught भी कह सकते हैं. Initial velocity of object is here V naught. Angle जो है ना students वो theta है, तो initial velocity जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी V naught, जिससे आपने throw किया है ना. अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करें ना, इस तरह ड्रॉप करें आप यहाँ से, जैसे ऊपर से आपने ड्रॉप किया, तो इसमें तो इनिशियल वेलोसिटी जो है ना वो ज़ीरो ही होगी, ड्रॉप करने में ज़ीरो होगी, ड्रॉप किया. लेकिन अगर आपने इस तरह थ्रो किया ऊपर की तरफ, तो थ्रो करने में तो वो इनिशियल वेलोसिटी वैल्यू है, एक वैल्यू है, कोई भी वैल्यू होगी उसकी, तभी वो थ्रो होगी. और अगर आप ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं, जैसे ये मैंने यहाँ से ड्रॉप किया, ड्रॉप करने में है ना वो भी जीरो होता है. जैसे मैंने ये पेन को ड्रॉप किया, ओके, इसमें तो मैंने कोई वेलोसिटी नहीं दी है ना इसको, ये खुद ही मूव कर रहा है, ड्रॉप हुआ है, तो बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो होती है. लेकिन जब अगर आपने थ्रो किया है, जैसे यहाँ कंडीशन में आपने थ्रो किया है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट होगी, ये इनिशियल वेलोसिटी है. तो एंगल बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल के साथ इसके सरफेस के साथ एंगल है, वो एंगल जो है वो क्या है, वो थीटा है. ओके स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर? प्रोजेक्टाइल मूवमेंट चल रहा है, टू डायमेंशनल मोमेंट. ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं टू डायमेंशनल मोमेंट. तो अगर ऑब्जेक्ट जो है वो टू डायमेंशनली मूव कर रहा है, तो लिसन स्टूडेंट, टू डायमेंशनली में हॉरिजॉन्टल इफेक्ट भी है, उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होगी और वर्टिकल वेलोसिटी भी उसके साथ होगी, वाई कंपोनेंट वर्टिकल वेलोसिटी. तो बेसिकली जब वो चलेगा तो इनिशियली उसकी जो कंपोनेंट है वी नॉट एक्स होगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जब वो इनिशियली चलेगा, ये इसका वी नॉट एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, और वी नॉट वाई इनिशियली बेसिकली होगा उसका वर्टिकल कंपोनेंट. यहाँ पर हमने इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर दिया है. जब वो चलेगा तो जाहिर सी बात है इनिशियल वेलोसिटी से चलेगा. अब वो इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, और वी नॉट दो कंपोनेंट फॉर्म करेगा, क्योंकि टू डायमेंशन मूवमेंट के दरमियान में मूवमेंट है. जब टू डायमेंशन मूवमेंट के दरमियान में मूवमेंट होगा तो इट्स मीन जो इनिशियल वी नॉट है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, वी नॉट एक्स में और वी नॉट वाई में, दोनों एक्सिस के दरमियान उसकी डिवीजन होगी. हाँ बेचारा ये जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना बेचारा, ये टू एक्सिस के दरमियान है, डिवाइड हुआ हुआ है दो एक्सिस के दरमियान. तो जब दो एक्स में डिवाइड होगा तो बच्चों जाहिर सी बात है वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई वो बनेंगे. ये बेसिकली दोनों जो हैं प्रोजेक्टाइल में हम कंसीडर करते हैं कि वो इनिशियल कंपोनेंट हैं. ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इनिशियल. ऑब्जेक्ट ने मूव किया है, ऑब्जेक्ट चल रहा है, वो हाइट तक भी जा रहा है. इसको फर्दर मैं यहाँ बताता हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल में मूव कर रहा है, और मूव करता हुआ वो जो जा रहा है, तो वो जब जा रहा है तो वो हाइट तक भी आएगा, मैक्सिमम हाइट जो है उसकी ये हो जाएगी मैक्सिमम हाइट. इसमें उसकी हाइट भी इन्वॉल्व होगी, ये उसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, तो ये एच हो जाएगी हाइट, ये भी इन्वॉल्व होगी. और यहाँ से यहाँ तक टाइम का फर्स्ट हाफ भी होगा, ये फर्स्ट हाफ होगा टाइम का. जब यहाँ से वो डाउनवर्डली या मूव करना शुरू करेगा तो ये टाइम का सेकेंड हाफ हो जाएगा, ये टाइम का फर्स्ट हाफ हो जाएगा, ये टाइम का सेकंड हाफ हो जाएगा. मोमेंट में आप देख रहे हैं हाइट ये हो जाएगी, यहाँ से बेसिकली इनिशियल वी नॉट था और वर्टिकली वी नॉट वाई था और हॉरिजॉन्टली वी नॉट एक्स था, हाइट भी इन्वॉल्व हो रही है. टाइम का फर्स्ट हाफ टी वन, सेकेंड हाफ टी टू, हाइट के बाद का जो डाउनवर्डली मोमेंट अब शुरू हो गया है तो वो सेकेंड हाफ हो जाएगा.
तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अब इन वैल्यूज़ को जो है हम वो फाइंड भी करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि अगर ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटली मूव कर रहा है ना स्टूडेंट्स, तो हॉरिजेंटली मूव करने ये प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है, तो इसमें जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी है ना स्टूडेंट्स, इट इज सेम, दिस वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। यस, पूरे प्रोजेक्टाइल मोमेंट में जो इनिशियल है वी नॉट एक्स और वी एक्स, बोथ आर सेम, ये एक ही रहेंगे। वी एक्स को मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि फाइनल हो गया, और वी को कह रहा हूँ भाई इनिशियल हो गया, तो इधर देयर इज नो चेंज। हाँ ठीक है स्टूडेंट, देयर इज नो चेंज, इनिशियल एंड फाइनल बोथ आर सेम इन प्रोजेक्टाइल मोमेंट। अभी तक आप देखें फर्स्ट हाफ टाइम का हाइट है, फिर वो डाउनवर्डली आ रहा है, जब वो मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है तो इसकी जो वी नॉट वाई फाइनल वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। ये बात भी जहन में रखिएगा, इनिशियल तो वी नॉट कोई ना कोई होगी, वी नॉट एक्स वी नॉट वाई जो है